टाटा आईपीएल के 49वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने प्रतिद्वंद्वी चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रनों से शिकस्त देकर अपनी उम्मीदें अपनी संभावनाएं जीवित रखी हैं प्लेऑफ्स के लिए। और इस रोमांचक मुकाबले में 13 रन से इस मैच को जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, 19 जीते अब तक चेन्नई के नाम थी और केवल 9 जीते आरसीबी के नाम थी, लेकिन अपनी 10वीं जीत चेन्नई के खिलाफ हासिल करके आरसीबी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जो प्राप्त परिस्थितियां थी उसका सबसे बढ़िया फायदा उठाते हुए, सर्वोत्तम लाभ उठाते हुए एक शानदार उत्तम जीत दर्ज की है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। मेरे साथ कमेंट्री बूथ में है राजेश यादव। राजेश, जिस तरह से आरसीबी ने 173 के स्कोर को डिफेंड किया वो वाकई काबिल-ए-तारीफ। जी हाँ, बिल्कुल, जिस प्रकार से 174 रनों का लक्ष्य मिला था चेन्नई सुपर किंग्स को, ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से चेन्नई का बल्लेबाजी का क्रम है बल्लेबाजों का, यह रन 20 ओवर में आसानी के साथ बन सकती है। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, साझेदारी काफी अच्छी हुई थी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। जिस प्रकार से 54 रनों की साझेदारी हुई थी, कुल मिलाकर पावर प्ले दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी तरह से निकाला था। उसके बाद से लग रहा था कि पावर प्ले समाप्त होने के बाद सिंगल डबल का सहारा लेते हुए रन आसानी के साथ बनाए जाएंगे, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों की, जिन्होंने अपने गेंदबाजी पर विश्वास रखा, समय समय पर विकेट चटकाए और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है इस मुकाबले में और 13 रन के साथ जीत हासिल की है। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी रही हर्षल पटेल की, 4 ओवर में उनका जो इकोनॉमी है वो जरूर 8 से ऊपर का, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए। और सबसे ज्यादा प्रभावित किया जॉश हेजलवुड ने, किफायती गेंदबाजी की, 4 ओवर में केवल 19 रन और 1 विकेट। वहीं मैक्सवेल ने 2 बहुत महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई, 4 ओवर में 22 रन और 2 विकेट। वहीं हसरंगा ने 3 ओवर में 31 रन और 1 विकेट। तो कुल मिलाकर जो प्राप्त परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों में किस तरह की गेंदें करनी है, किस लेंथ पे करनी है, किस लाइन पे करनी है, कितनी धीमी या कितनी तेज करनी है और किस तरह से जो अतिरिक्त उछाल इस विकेट पर हासिल हो रहा था उसको कितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका बेहतरीन नमूना पेश किया है आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तमाम गेंदबाजों ने। तारीफ करनी होगी और बधाई देनी होगी आरसीबी को राजेश, की इस मुकाबले को, इस आर पार की लड़ाई को आखिरकार जीत करके आरसीबी ने अपनी संभावनाएं जीवित रखी है और इस टूर्नामेंट में बनी हुई है आरसीबी की टीम। जी हाँ, बिल्कुल, और आज जॉश हेजलवुड और ग्लेन मैक्सवेल की गेंदबाजी देखे तो अपने 8 ओवर के कोटे में दोनों ही गेंदबाजों ने मात्र 41 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं और जिसने कि इस मैच की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख दिया है।